अभिनेश महर्षि, अभिनेश महर्षि, पूरा पायनी, पूरा पायनी। भाई साहब हमारे देश की महर्षि का गांव पायनी में बहुत ही स्वागत और सत्कार के साथ मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी ग्रामवासी, सभी जाति धर्म के लोग यहां विराजित है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आने वाली 25 तारीख को हमारे गांव की ओर से भारतीय जनता पार्टी को, जैसे पूर्व में बहुत ही भारी मतों से समर्थन मिलता आ रहा है, वैसा ही समर्थन इस आने वाली 25 तारीख को हर व्यक्ति अभिनेश महर्षि बनकर करके इनका जीत सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। इसी भावना के साथ ये गांव में पधारे हैं। इनके साथ पधारे हुए श्री अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, पूर्व प्रधान श्री स्वरूप सिंह जी शेरा, श्री साबू सिंह जी सरपंच, श्री सुशील जी इंदौरिया, भैसा बोलूं आरे। तो सबसे पहले मैं नाम बोलूंगा स्वागत के लिए श्रीमान अभिनेश जी महर्षि का, साफा व माला से स्वागत करेंगे श्री गांगू सिंह जी। और बढ़िया बढ़िया तो बुझाओ रहे हैं। तो सत्कार करेंगे श्री जगदीश सिंह जी व मालाराम जी आर्य, साफा व माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। सुशील जी इंदौरिया का स्वागत। खाली पड़ी श्री अगलो नाम बोलो जल्दी आगे लेट तो नहीं हो। श्री साबू सिंह जी का जी व रिशपाल सिंह जी, मास्टर जी आओ। श्री इंद्र सिंह जी दोगलिया का स्वागत करेंगे भगवान सिंह जी व मदन सिंह जी। मातो सिंह जी मुंदला, मातो सिंह जी भोल सिंह जी अगोड़ा, श्री रामदेव सिंह, श्री दुल्ला राम जी मेघवाल, श्री दुल्ला राम जी मेघवाल, गणेश राम जी, श्री भवन सिंह जी धानीवाले सिंह जी, सनौर सोन सिंह जी, श्री जीतू सिंह, श्री समोत्र सिंह जी जागीरदार, सरपंच ने बताया सरपंच गोल सिंह जी, सनो मान सिंह जी, श्री कुलदीप सिंह, सनो रघुवीर सिंह, मारा शिकार है तेरी मुझे, मारा भी शिकार है, मारा भी शिकार है, मारा शिकार है। जो भी यहाँ उपस्थित है और हमारे प्रत्याशी श्री अभिनेश जी महर्षि का स्वागत सत्कार करना चाहते हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के विनती आए और इनका गांव में बधाई। श्री बोल सिंह जी जो नाग।
चुनाव के अति व्यस्त समय में से स्वागत करेंगे पापा और माल्यार्पण करके श्री चैतन्यराम जी चौधरी और मंगन सिंह जी चैतन्यराम जी चौधरी हरि प्रसाद जी भाई माँ का स्वागत करेंगे मदन सिंह जी और ऋषपाल सिंह जी मास्टर जी लो श्री दीनदयाल जी उपाध्याय श्री खुशहरा का स्वागत करेंगे भगवान सिंह जी अब सभा को संबोधित करने के लिए मैं श्री कृष्ण जी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ग्राम पायली की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे लोक लाडले विधायक श्रीमान अमलेश जी महसी, सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाली 25 तारीख को लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और इस पर्व को हमें उत्साह के साथ मनाना है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, डबल इंजन की सरकार होती है तो हमारे काम स्वतः ही होने लग जाते हैं। मित्रों, देश में नरेंद्र भाई मोदी हमारे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी का सपना है कि मेरा देश सर्वोपरि हो, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि हो, मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, मेरे देश के सैनिकों का मान स्वाभिमान बढ़े, मेरे देश का स्वाभिमान बढ़े। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब G20 का सम्मेलन हुआ तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की धरती पर आए, हमने उनका भव्य स्वागत किया और एक राष्ट्राध्यक्ष ने तो हमारे मोदी जी का चरण स्पर्श करके अभिनंदन किया। मित्रों, ये सनातन परंपरा आगे बढ़ रही है और मोदी जी का एक सपना है कि जैसे हमारे देश में पहले दूध दही की नदियां बहती थी, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज भारत विश्व की पांचवी ताकत बन चुका है और मोदी जी का सपना है कि भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बने। मित्रों, आज से पहले कांग्रेस के जितने नेता और प्रधानमंत्री हुए वो जब कोई भी विदेशी मेहमान हमारे देश की धरती पर आता था तो उन्हें ताजमहल भेंट करते थे, कुतुब मीनार भेंट करते थे, लेकिन पहला देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जो उन्हें रामायण भेंट करता है, गीता भेंट करता है और किसी मेहमान को, विदेशी मेहमान को ताजमहल दिखाने नहीं ले जाते, उन्हें गंगा आरती का दर्शन कराते हैं। और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं ये सनातन डेंगू है, मलेरिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमारे यहां तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब होता है तो उसके अंत में हम क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और ये कांग्रेसी हमारे धर्म को अपमानित करते हैं, हमारी संस्कृति को कलंकित करते हैं। तो मित्रों,
हमें इस संस्कृति की रक्षा करनी है और इस संस्कृति की संवाहक है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ये भारतीय सनातन परंपरा विश्व में अपना डंका बजाए और भारत विश्व गुरु बने। इसलिए आने वाले 25 तारीख को हमारे विधानसभा के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी तो राजस्थान की विधानसभा में हमारी आवाज को दमकता से उठाते हैं। श्री अभिनय जी महर्षि का जो कमल का निशानन बटन, उसके आगे का बटन दबाए, इन्हें विधानसभा में भेजे। राजस्थान में कैसे हालात हैं उनको अभिनय जी ने विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया के बाद अपनी आवाज को बुलंद किया है कि वो हमारा विधायक है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर वन पर है। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा, महिला अत्याचार का एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। पिछले 5-7 रोज पहले की घटना है, दौसा के लाल सोट में एक थानेदार अपने कांस्टेबल की 5 साल की बच्ची से सरकारी क्वार्टर में बलात्कार करता है। वो कांस्टेबल जब उसकी FIR दर्ज कराए जाते हैं तो उसको थाने में मारा पीटा जाता है। बलाओ डॉक्टर गिरोड़ीलाल मीणा का, भारतीय जनता पार्टी के नेता का, तो वो उस थाने का घेराव करते हैं, तब उस कांस्टेबल की FIR दर्ज होती है, उसको एक मुकदमा दर्ज होता है, वो थानेदार बर्खास्त किया जाता है। भीलवाड़ा की घटना आप सबके अभी तक दिलो दिमाग में होगी। भीलवाड़ा में मेरी एक मासूम बहन के साथ बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कारियों का जी बलात्कार करने के बाद भी नहीं बचता, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर भी दया नहीं आती, उसको जलती भट्टी में सौंप देते हैं। मित्रों, ये है राजस्थान की कानून व्यवस्था के हालात। और हमारा मुख्यमंत्री क्या कहता है कि राजस्थान में बलात्कार करने वाले कौन होते हैं? उसके रिश्तेदार होते हैं। और हमारा शर्म सिर शर्म से दम झुक जाता है। अब राजस्थान में नंबर 2 का कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। अरे तुम उम्रो कांग्रेसियों, राजस्थान की संस्कृति को कलंकित करते हो। ये पद्मनी की धरती है, ये पन्नाधार की धरती है, ये मेरा की धरती है। राजस्थान का नौजवान तो अपनी माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। मित्रों, आने वाली 25 तारीख को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, किसानों की बहबूदी के लिए और नौजवानों को भविष्य को, जिसने इस कांग्रेस सरकार ने नेस्तनाबूद किया है, 18-18 बार पेपर लेक हुए हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, उसका बेटा आरेश है, उसके बेटे की भू आरेश है, उसकी भू का भाई आरेश है, उसकी भू का बहन आरेश है। क्यों भाई, तो कौन से काजू बादाम खाते हैं कि सारे रिश्तेदार आरेश बन गए और मेरे इस पायली का नौजवान में ऐसा कौन सा टैलेंट नहीं है कि वो पटवारी नहीं बन सकता, ग्राम सेवक नहीं बन सकता, कांस्टेबल नहीं बन सकता। इस कांग्रेस ने नौजवानों के सपनों को चकनाचूर किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कल अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कहा है कि पेपर लीक माफिया चाहे पाताल में छुप जाए, हम उनको बाहर निकाल के लाएंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे। मित्रों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हमारा भी राज में सिर होना चाहिए। रतनगढ़ का राज में जब सिर होगा, रतनगढ़ से हमारा विधायक भारतीय जनता पार्टी होगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और हमारे क्षेत्र में जो कमियां जो रह गई है उनको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि अभिनेश महर्षि के कमल के निशान पर बटन दबाकर इनको विधानसभा में भेजे। जय हिंद, जय भारत।
और कोई बुजुर्ग नहीं है भाई साहब है जी, बाकी तो बजरंग भाई साहब जी अभिनंदन है स्वागत। मैं श्रीमान पवन सिंह जी से कहूंगा वो ग्राम पंचायतों को संबोधित करें, अपना हिस्सा हुआ है तो निश्चित रूप वहां पर कोई न कोई ऊंचो पद मिले, मंत्री पद भी मिल सके, और नहीं भी मिले तो भी राजगे में हिस्सेदारी हुए जगह एमएलए की, बिना काम बहुत त्वरित गति हुए। जिया भावड़ा जी काम करता बी टाइप वो काम करनी आदमी है, ये वास्ते अपन सहन एक राय एक मत और संगठित और ज्यादा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे अभिनेश महर्षि जी। अब मैं लक्ष्मण सिंह बिरला सिंह जी राठौड़ से निवेदन करूंगा, आपने अब मैं बागीनाथ जी से निवेदन करता हूं कि आप बजरंग जी गुजर प्रकीर साहब का सभा बना के स्वागत करेंगे। अब मैं भगवान सिंह जी राठौड़ से निवेदन करता हूं कि आप अर्जुन सिंह जी को सभा बना के स्वागत करेंगे। अब मैं डोमनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप हरिकुमार जी दाय मां सरपंच सांगासर को सभा बना के स्वागत करेंगे। अब मैं सवाई सिंह जी सेगाव से निवेदन करता हूं कि आप माली राम जी को सभा बना के स्वागत करेंगे। अब मैं मोहन राम जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप चेड़ा सरपंच साबू सिंह जी पवन सिंह जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि आप पड़ियारा सरपंच जगजीत सिंह जी राठौड़ साहब का स्वागत करेंगे। अब मैं देव सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने भाई अर्जुन सिंह जी का स्वागत करें, रघुवीर सिंह जी अर्जुन सिंह को जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप दीनदयाल जी सरपंच पूर्व सरपंच बुधवाड़ी का स्वागत करेंगे। नमस्कार भाई साहब सपोल। और मान सम्मान और स्वागत करें समय का भाव अच्छी मांगू सिंह जी उमेश सिंह जी राठौड़ साजूर सिंह जी सेठावत महेंद्र प्रताप सिंह जी गोविंदान जी कारण राजेंद्र सिंह जी सेठावत मोहन नाथ जी ओंकार नाथ जी जल्दी जल्दी आए लघुनाथ जी एकनाथ जी जगन्नाथ जी शर्मा जीवनराम जी शर्मा देवनाथ जी जी गोदारा आगे आए और विधायक साहब का माला पहन आगे स्वागत करेंगे। देवी सिंह जी राठौड़ सूर्जाराम जी हाँ कैंसलेशन चलो परपाल सर के ठाकुर जी के इस पवित्र प्रांगण में चुनावी सभा के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और रतनगढ़ के विधायक
श्रीमान जी अभिनेश जी महर्षि, साथ में चल रही पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, जिसको विस्तृत रूप से जगजीत सिंह से लेकर इस शोर तक राजेंद्र सिंह जी पायली बैठे हैं, सम्मानित मंच क्योंकि देरी से चल रहे हैं थोड़ा, सामने विराजमान गांव के पिता तुले बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद स्नेह प्रेम समय समय पर हमें सबको मिलता रहा है, सामने साइड में इस साइड खड़े युवा साथी तो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हमें संबल प्रदान किया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। केंद्र की नीतियों के बारे में और राज्य सरकार की कमियों के बारे में विस्तृत रूप से लगभग 25 से 30 मिनट हमने जगजीत सिंह से मुख से सुना। उन्होंने बताया कि कमियां क्या रही, खामियां कहां रही, विकास कहां रुका, पानी की व्यवस्थाएं, पेपर लीक की बात, बिजली चोरी की बात, बिजली कमी की बात, राज्य सरकार के द्वारा जो धन लुटाया गया इंदिरा रसोई से लेकर मोबाइल तक, खाद्य सुरक्षा के किट तक, तमाम वो बातें सुनी इन्होंने बड़े विस्तृत और सार गंभीर रूप से अपनी बात को रखा। तो कहने के लिए कुछ नहीं है, बात मोटी मोटी आप सब समझ चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो चक्र विकास का रुका हुआ था उसमें राज्य सरकार की बड़ी नाकामी रही। कभी उन्होंने राजस्थान को होटलों में बंद कर दिया, तो कभी सड़क पर लड़ाई में व्यस्त कर दिया। तो विकास का चक्र रुका हुआ था, उससे पहले 13 से 18 का विकास आपने गांव में देखा है, आज भी वो विकास झलकता है कि उस टाइम क्या क्या काम, क्या आपके गांव में कितने विशाल काम हुए, पायली से ओमबना के मंदिर से निकलकर जब तक आपके राजाना जोड़े तक जाते हैं तो देखते हैं कि काम हुआ है। बिना बजट के काम होना पॉसिबल नहीं है, आप सब समझते हो, क्योंकि विकास तभी हो पाता है कि जब सरकार केंद्र और राज्य की दोनों अपनी हो। विधायक जी के बारे में जगजीत सिंह ने बताया कि इन्होंने अपने कोटे से विस्तृत रूप से आपकी पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए, तो सिर्फ एक कोटा था, कोटे से विकास होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात ठीक भी है कि घराड़ी कुंड हुआ भी 3-4 नाला जुड़ेड़ा होने कुंड फटाफट भरी जाए, नालों भरी जाए। इस खातर आने वाले 25 तारीख को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने हैं, और वोट के साथ साथ यहां हमें माननीय अभिनेश जी के हाथ मजबूत करने हैं और जयपुर और दिल्ली तक हमारे नेताओं के हाथ मजबूत करने हैं। बात मोटी मोटी बता दी है, बात है वोटा की, चुनाव है, टाइम है वोटा को। आप अखबार मोरू बात कस्या और सुनसा थाने को कमियां खामियां से भूल जाया और एक ही लक्ष्य कमल का फूल। जय हिंद, जय भारत। काम सरपंच कर नहीं सके, ये दातार सिंह ने बहुत तुरंत पूरे पंचायत में, मैंने छाजू सिर में भी बहुत काम दिए, आबड़ सिर में भी बहुत काम दिए, और सरपंच दातार सिंह ने पूरे काम तुरंत प्रभाव से किए, ये मैं उसको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय श्री मैं सभी बात जितने भी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो कर्नाटक के ढोल के अंदर जी अभी त्रिकुमार जी से आए और मेघनाथ जी से आपसे भी मल्यार्पण का स्वागत करें। विक्रम सिंह जी दर्शन सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आज समस्त ग्रामवासी आपका तहे दिल से आभार और अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत करें रूखा राम जी भाई, रूखा राम उनका सापा पाला के स्वागत करें।
श्री श्याम सिंह जी से निवेदन है कि पवन सिंह जी कुसुम केसर उनका साफा पहना के स्वागत करें। कैप्टन बजरंग सिंह जी ठाकुर सिंह जी बजरंग सिंह जी राठौड़ आपसे निवेदन है कि हमारे सरपंच साहिब रामचंद्र सिंह जी से निवेदन है, रुपेश जी से निवेदन है कि मदन जी राजीव नगर महामंत्री राजेंद्र सर आपका सपा माना के स्वागत करें। विजेंद्र सिंह जी जीवराज जी से निवेदन है कि वो मालीराम जी सासु साहब जनता पार्टी रतनगढ़ उपाध्यक्ष वो सपा पन्ना के स्वागत करें। हमको और बच्चे डांस उड़ गए कालू के मंच पे आए और नवयुग मंडल से विशेष आग्रह जितने भी हमारे अतिथि आए हैं पधारे हैं इस कार्यक्रम की सोलह बढ़ाने के लिए राधे श्याम जी लॉन्च का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं सुमारे जी से निवेदन करूंगा कि वो राधे श्याम जी लॉन्च का स्वागत करें। लो पहली बार फट लिया कोई कोई वोट एक तरफ वो गलती से फटको कोई को सर आपने एक वोट बढ़ो गलती से सवा सात सोलह सवा सात सौ पानी एक तरफ ले ली जोरदार भैया सभी निवेदन है कि वो भरपाल सर आपसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत आने वाली 25 तारीख को बीकानेर शिवबाड़ी गांधीनगर महामंत्री मंजिल लिखते हैं मुकाम लिखते हैं अरे वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब अभिनेश महर्षि का नाम लिखते हैं। एक बार जोरदार जयकारा और एक वोट पूछा राम जी का तो क्या बता रहा उससे कैसा बड़ा क्या मेरे को आशीर्वाद दे सकते हो आप और वैसा का वैसा ही मन अभी आप लोगों का है। मैं एमपी चुनाव में आया मालीराम जी आपस आ गई यहाँ कमला जी हमारे साथ आ तो कमला जी बोले के मैं बोले भाषण तान पूछे भाषण क्यों किए थे बोले कौन देना तो मैंने कहा कमला जी मेरे हाथ में माइक नहीं और लेके बोले के भाई अभिनेश फिर के बाद में जो है ऐसा भी सड़क के लेवड़ा ही पहले 10 साल पहले वहां फिर आके एक ही बात ये कि भाई आ सड़क बननी चाहे ना सड़क पाची बन गई लेकिन जत्ता काम करूं बत्ता कम है और आ नौजवानों के लिए भी मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं कि करा अब राज आ रही है राज में एमएलए बड़ा देशों ने जनाबी के बाद में कोई कमी तो रहन कर दू और बाकी जो कैसे आदेश है वो सब पूरा कर क्यों मेरे से कोई भी क्योंकि अब तो आशीर्वाद दिए थे कि मेरे से कोई गलती होगी वह क्योंकि हर आदमी दिए हर आदमी ने जो प्यार सम्मान मैं दिए है लेकिन फिर भी कोई भी गलती होगी वह जाने अनजाने में जान तो वो तो करीब नहीं है लेकिन अनजाने में भी होगी वह तो मैं हाथ जोड़ की प्रार्थना करूं कि मन माफ कर दे और ये आशीर्वाद दिए मैं ही दे क्योंकि गांव को मैं बार बार के उठाने के मेरे मन में शब्द कम पड़े अच्छी बात को धन्यवाद। रेखा राम जी नाई सोनी जी छोटूलाल जी सोनी जी से भी निवेदन है कि भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई साहब सवाई सिंह जी सवाई सिंह जी देखिए अरे अरे रुका है अरे संगीतज्ञ होते हैं जोरदार जोरदार तालियां भाई साहब का प्रेम। महेंद्र सिंह जी सौ किशोर सिंह जी से आपसे भी निवेदन है कि भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। महेंद्र सिंह जी राजू जी प्रजापत आए और भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंगल सिंह जी सुनो सावन सिंह जी जीवराज सिंह जी सुनो देवी सिंह जी प्रकाश सिंह जी भागीरथ सिंह जी रूपेश सिंह जी
पप्पू सिंह जी, आप सभी से विशेष इंदर जी हरिजन हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है कि भाई साहब का मल्यार्पण सापा पहना के स्वागत करें। इंदर जी, श्याम सिंह जी को श्याम से भी विशेष आग्रह है कि भाई साहब का प्रभु सिंह जी आपसे भी निवेदन है कि भाई साहब का मल्यार्पण स्वागत करें। मूल सिंह जी, सुनो प्रिंसिपाल सिंह जी, समंदर सिंह जी, राजू सिंह जी, सुनो बालू सिंह जी, भाई साहब का मल्यार्पण का स्वागत करें। मूल सिंह भाई साहब पवन सिंह जी को साबा बनाए। मूल सिंह जी सब जगदीश सिंह जी, सुनो साधु सिंह जी, राम आपसे जाऊंगा प्रदेश ज्ञान को साथ में देश ज्ञान को साथ में। तो ज्यादा लंबी थोड़ी बात मैं बोल क्यों भागीरथ सिंह जी, पंचायत में इस सदन से प्रतिनिधि आपने गुरु सिंह जी राज भागीरथ सिंह जी ने सामने पहला और राम 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 अमर जी खेल आगे भागीरथ सिंह हमारा गाल का स्वागत करो। अर्जुन सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, अर्जुन सिंह जी सामने पहला स्वागत। मारा खाउसा जानो अगे खाउसा बैठ गया ये मिनी मॉल से ना बालू सिंह जी सर जी अभिनव ने ओ आदमी मान ले राम सर सर तू तो घड़ा फट करे, तू तो मोटा से फट करे, घोड़ा हाथी पर चढ़ जा कर घोड़ा पर मदन सिंह जी आओ मारा मेरा स्वागत करो। नारायण सिंह देव, नारायण सिंह साहब को हिम सिंह जी, बाला सिंह, संपत जी नाइक, भवानी सिंह जी राजपूत, कुमार आमी सब करो, कुमार आमी देवनाथ सिंह राम जी, नटाराम जी आओ, भवानी सिंह जी माला गाओ स्वागत करो। डॉक्टर मोहनलाल, मैं नाम बोलू थे कि हमारा गाली नाम है बोले थे नारायण सिंह जी तैयार है और जित्तू राम जी छोटा। हाँ देखो मंचू हो सके मालूम आपको जरूरी कमी, लेकिन मैं नाम बोलू जी आप अगर थे फटाफट। गोपाल राम जी छोटा, मदन लाल जी परियार, विधायक जी का मारा गाल में होगा पता फटी हम जी सुतार, जगदीश सिंह जी रुमार ना समझ लेने खड़ा उबोध रहे पेमेंट सामा बजू करो काम करते नागरी जी खड़ा डाल दिया कि विश्वास धनी उन्हें रिटायरमेंट कर रहे हैं ना बोलो ठंडा ही है वहां आदमी बिटा किसन कालराम जी कालरा कालराम जी खड़े अपने 10 मिनट का मैंने फटाफट माला कर बजरंग जी पुजारी छोटू सिंह जी राजपुरोहित सिंह जी गीता शास्त्री चोखा राम जाट आई ना जी माला गाले पे गान सुनो एकदम खुली छोटा गाना है। माननीय विधायक महोदय राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री गालो विधायक जी माला गालो एमएलए साहब फर्स्ट लेवल
हमारा बहुत लाड प्यार प्रेम दिया, बड़ा सहयोग दिया भागीर सिंह जी हम साथ दे। तो सभी से निवेदन है कि अविनाश जी महर्षि को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजे ताकि ये आगे जाके मंत्री बने। और ये ऐसे विधायक है कि पूरे राज्य जब विधानसभा बोलते हैं ना तो पूरे राजस्थान जनता चाय पानी छोड़ के भाषण सुनती है। जैसे मोदी जी के लिए तो स्वयं इंसान जाग जाता है कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो बहुत गौर से बहुत तपंग आदमी शेर आदमी है आवाज उठाने वाले गरीब मजदूर सब की। तो ऐसे आदमी हमें वहां भेजना चाहिए ताकि अपनी आवाज को खास कह सके। और काम इन्होंने बहुत दिए, ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां काम नहीं दिए, हर गांव में काम दिए बहुत ज्यादा जी तोड़ के। अगर सरकार आएगी तो कोई काम की कमी नहीं रहेगी। समाज सभी वोट देते हैं लेकिन मैं नायक समाज से हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करता हूँ अविनाश महर्षि जी को और बीजेपी पार्टी को विजय बनाकर। धन्यवाद। शानदार और जानदार कार्यक्रम में